बहू, भाई साहब का बनाया हुआ मटन थोड़ा दे दो, बड़ा करारा बना है, तीखा इतना कि मुंह जल रहा है, फिर भी और खाने का मन कर रहा है। अरे वो देखो, प्रियंक की थाली भी खाली पड़ी है, एक रोटी उसे भी परोस दो बहू। रोटी नहीं, भात खाएंगे। जाओ जाकर रसोई से ले आओ। उनमें उनमें ए बेटा, तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो इसीलिए उदास हो ना? नहीं माँ। तो फिर कहाँ गया तुम्हारा वो बत्तीसी वाला मुस्कुरा? हाँ, अरे ए बेटा सुन, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं काहे? उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। और ठाकुर परिवार में जाने के बाद तुम्हारा भविष्य और भाग्य तो दोनों खुल जाएगा, और उस सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा जिसका सपना देखती है सब लड़की और पूरा नहीं होता। पूलन ठाकुर के घर की बहू बनने के लिए बेगूसराय की कोई भी लड़की हाजिर थी, लेकिन उन्होंने ये सौभाग्य तुमको दिया। आज से तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू हुई। हमने अपने सबसे बड़े बेटे मिथिलेश की शादी इसी साल की है। अब हम पूनम को लाखन के लिए चुन रहे हैं। वैसे भी लाखन प्रियोम से एक साल बड़ा है, इसलिए शादी करने का हक अब उसका है। वंचिता, हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा ना करो। खून के रिश्ते में भले ही मैं और भूषण भाई हैं, लेकिन तुमने अपना खून देकर के रिश्ता बनाया है। बिना किसी लोभ और लालच के हमेशा ढाल बनकर हमारी रक्षा की है। ये हमारा सौभाग्य है कि पूनम इस घर की बहू बन रही है। तुम जानती हो ना बेटा कि 10 साल जेल का सजा काटने वाला गरीब बाप उसकी बेटी को कैसा लड़का मिलेगा? तुम्हारे पापा चाह कर भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ सकते, और कहीं शादी हो भी गई तो दुभक्त का रोटी और दुगो कपड़ा के लिए चिंता करते करते जिंदगी कट जाता। यही होता है बेटा हम लोगों का जिंदगी, चूल्हा चौकी और पति की सेवा, और बदले में जानती है इनाम में क्या मिलता है? 4 गो गाली सुनने को मिलता है रोज रात को। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। हम तो जिंदगी काट लिए बेटा,
लेकिन तू मेरे को बात हमेशा याद रखना, अपनों और सपनों की लड़ाई में हम औरतों को हमेशा अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है। तुम भी इस बात को जितना जल्दी मान जाओगी उतना खुश रहेगी बेटा। और देखो ना, जो खुशी ईश्वर तुम्हारे झोली में डाल रहे हैं उसके सामने ये 3 साल का कॉलेज का पढ़ाई क्या है। इसीलिए कह रहे हैं, लाखन का खूब ख्याल रखना, खूब खुश रखना उसको, और उसी के खुशी में अपनी खुशी तलाश लेना। और मेरा यकीन मानो, लाखन मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ पुन्नी, बहुत खुश रखेगा।